अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वेव लाइव के साथ मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। मीरपुर खास ब्यूरो रिपोर्ट, शहजाद लाशारी मीरपुर खास सेटेलाइट टाउन में नाजायज कब्जा खोरों ने एक मकान पर कब्जा कर लिया। फरीहा नामी खातून का कब्जा खोरों के खिलाफ सख्त एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक सेटेलाइट टाउन में टंकी रोड पर नाजायज कब्जा खोरों ने एक मकान पर ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। मकान की मालकन फरीहा नामी खातून ने कब्जा खोरों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि मैंने पुलिस स्टेशन सेटेलाइट टाउन थाने में एक माह कबल दरख्वास्त दी थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कब्जा खोर बाज आ जाते। खातून ने मजीद बताया कि कब्जा खोरों में मेरे खिलाफ 22A के तहत मुकदमा दायर किया था, जिसे मौजूदा अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। कब्जा खोर माफिया इसे प्रेशर देने और डराने के लिए उनके मकान पर ताला तोड़कर पहले उनका सामान गायब किया, अब अपना सामान मेरे मकान में रख दिया है। मुतासरा खातून फरीहा ने मीडिया नुमाइंदगान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तमाम सहाफ़ी देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला उसके साथ है। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान ने जैब अहले मोहल्ला से इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया कि फरीहा खातून की पैदाइश इसी घर की है। इस मकान का आधा हिस्सा उनके वालिद शफी खान का था, जो उन्होंने फरोख कर दिया है, और आधा हिस्सा उनकी वालदा नईमा का है, और ये मकान शरण करुणन फरीहा की ही मलकियत है। इस मौके पर फरीहा खातून ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि इसे इंसाफ मुयसर किया जाए। मुतासरा फरीहा खातून ने अलाहुकाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। इस मौके पर तमाम अहले मोहल्ला ने मुतासरा फरीहा खातून के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। जो बोलोगे मैं लेके आ जाता हूँ, आप बैठो, आप मुझसे पढ़ो, मेरा भाई है, मैंने कितने पैसे दिए? अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज वेव लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।